तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारा यकीन करूं? क्यों? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस दूध में अपना खून मिलाते हुए, जैसे तुम दवा के नाम पर मुझे पिलाती रही हो। क्या वो भी बरक्स था, शराब था? हाशिम ने एक दो बातें हमें सिखाई हैं, वो दवा ही थी। तुम बेहतर हो गई थी ना? अगर हम तुम्हें सच बता देते तो तुम पी लेती क्या? अगर तुम इतनी ही मजलूम हो और कैद हो तो ये शहाना नमूदो नुमाइश का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारे 4 दिन की जिंदगी अगर बाकी होती तो तुम क्या करती? जीने की कोशिश नहीं करती? मैं अपने लिए किसी और की जान खतरे में ना डालती। और इन सबसे मेरा और बाबर का क्या ताल्लुक है? तुम अगर इतनी मासूम होती ना तो हमें रोकती, तन भी करती। तुम चाहती क्या हो हमसे? मदद, सिर्फ तुमसे। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मुझे बचा सकती हो, सिर्फ तुम। मैं कैसे? मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। तुम जानती नहीं हो रबाब, तुम उस शहजादे की तरह हो जो कहानी के आखिर में जादूगर को शिकस्त देकर शहजादी को बचा लेता है। तुम खास हो, तुम हीरा हो। जिस तरह से हीरा ही हीरे को काट सकता है, उसी तरीके से तुम ही हाशिम को शिकस्त दे सकती हो, खात्मा कर सकती हो उसका। क्योंकि हाशिम की तरह बरक्स में तुम ही हो। हाशिम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किस्मत का यही लिखा है। और बाबर? बाबर भी हमारी तरह हाशिम पे कब्जे में है। उसका खात्मा कर दो, हम दोनों आजाद हो जाएंगे। दिए बुझाकर? दिए बुझने से सिर्फ हाशिम कमजोर होगा, लेकिन हम बुझ जाएंगे। फिर कैसे? हाशिम के सिरहाने के नीचे एक खंजर है और एक संदूकची है जिसमें हमारी जान कैद है और हाशिम की शैतानियत का राज। और खंजर? वो तुम्हारे लिए है। तुम अंदाजा लगा सकती हो कि तुमने उसका क्या करना है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, तुम ही कर सकती हो और तुम्हें करना होगा। हमारे लिए नहीं, लेकिन बाबर की खातिर करना होगा। बाप, मैंने पता कर लिया, शाहजी वाकई में उल्टी जुबान बोल रहे हैं। मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें सब मौजूद है, तुम सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। इसका नाम भी उल्टा है और जबान भी। हाशिम शाह शैतान का चेला है, मक्कार है, धोखेबाज है, और अब इसमें कोई शक नहीं है। Anal, anal, heil eşlik nadeş, hesil belliz, arusa. वो सब झूठ है, अरूसा तुम्हें बरगला रही है। वो है शैतान की चेली, मकार है, धोखेबाज है वो। मैंने वो कुछ देखा है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाशिम तुम्हें झांसा दे रहा है, उसने तुम्हारी रूह पर कब्जा कर लिया है। जिस तरह अरूसा को, उसने तो अरूसा की जवानी तक छीन ली, और ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा किया है। सदियों से जी रहे हैं दरिंदा, मासूम लड़कियों का खून और वक्त चूसकर। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जो वो कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब झूठ है। उसके सराहने के नीचे देखो, एक खंजर रखा है, वो मुझे ला कर दो।
अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम्हें कैसे पता? खुद जाकर देख लो। नाल, नाल, वही लिस्ट नादेश, ऐसील बेल, आडूसा। तुम इसका क्या करोगी? लाओ दो मुझे, हाशिम के सीने में घोपूंगी। मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही हूं, दो मुझे। शाजी को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हूं। ये तुम नहीं बोल रही, ये अरूसा बोल रही है। वो हम दोनों को लड़ा रही है। मैं तुम्हारा शोहर हूं रबाब, मेरा यकीन क्यों नहीं करती? और मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हें बचाना चाहती हूँ, तुम्हें मेरा यकीन नहीं? बस एक बार ये सुन तो लो, मैं नहीं पा रहा। मैंने कहा था ना खन्नास है, गंजा दो मुझे। रुको, मैं खुद बताता हूँ शाहजी क्या कह रहे थे। बाबर, ये क्या कर रहे हो? अब आप कुछ खा लो। अच्छा दूध पी लो। मरने वालों के साथ मरने ही जाया करते तो क्या करते हैं? बाबर जिंदगी था मेरी, सब कुछ था मेरा। जिंदगी के बिना जिंदगी, कुछ चला जाए तो कुछ नहीं रहता। मुझे बहुत याद आती है उसकी। याद को यादें बनाकर आगे बढ़ने के सिवा इंसान के बस में और है ही क्या? तुम जवान हो, आगे जिंदगी पड़ी है, उसका सेहा मत करो। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसे? उन्होंने खुद नहीं किया, उनसे करवाया गया था। कैसे? जबरदस्ती? इतना कमजोर तो नहीं था कि किसी के कहने पे अपनी जान ले ले? बल्कि वो तो जान देने वालों में से था।
उन्होंने शायद जान दी ही है। किसके लिए? मेरे लिए तो नहीं थी। तुम जानती हो किसके लिए? आशिम शाह के लिए। तुम चाहो तो बदला ले सकती हो, वो अभी भी वहीं मौजूद है। खून तो मेरा भी खोल रहा है, लेकिन किस बात का बदला? अपनी जहालत पर कायम रहने का बदला? वो अपने होशो आवास में नहीं थे, उन्हें नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। इसी को तो जहालत कहते हैं। क्या बदला लेने से वो वापस आ जाएगा? मेरे लिए ले लो। क्या? मेरे लिए बदला ले लो, मेरी मदद कर दो। तुम्हारी मदद कर दो? एक बात तो बताओ, हमसे पहले जो लोग यहाँ काम करते थे, उस नर्स ने भी अपनी जान ली थी ना? हाँ। कैसे? बाबर की तरह छत से छलांग लगा के? लेकिन वजह तो यही थी ना? मालूम नहीं, हम यकीन से नहीं कह सकते। मुझे अच्छी तरह से याद है, उन मियां बीवी में भी खोट डल गई थी। उसने अपनी बीवी की वजह से अपनी जान ले ली थी, यही कहा था ना तुमने? हाँ। जबकि हकीकत में वजह हाशिम था। वजह तुम लोगों का एक खूनी शैतानी खेल था। उन्हें क्या बोला? उसे भी पैसों के झांसे दिए? उसकी बीवी को भी खूनी शरबत पिलाए? उनका नाम भी किस्मत में लिखा था? तुम जितनी मासूम बन जाओ रूसा, तुम उस शैतान के बरक्स बिल्कुल नहीं हो। अगर वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा है, तो तुम भी हमारी जिंदगी के साथ खेल रही हो। मेरे बाबर को कुर्बान कर दिया, और पता नहीं कितने लोगों को कुर्बान कर चुकी हो और कितनों को करोगी। सब चले गए, लेकिन तुम मौजूद हो, जिंदा हो। तुम हूबहू अक्सो हाशिम का। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूं। रबाब, रबाब कहाँ जा रही हो? घर, कहीं भी, यहां से बहुत दूर। रबाब, सारा घर खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे, हादिम भी चला गया, यहीं रुक जाओ। और यहाँ कौन है? मेरे शौहर का कातिल? हम हैं। जब तक हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेंगे। तुम अपने दुख दर्द अपने शौहर के साथ बांटो। रबाब, रबाब मत जाओ, मत जाओ। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, मत करो ऐसा, रुक जाओ। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। मत करो, हम पे रहम फरमा दो, हम ये मजीद अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कहा हट जाओ यहाँ से। तुम्हें तुम्हारे शोहर का वास्ता है, जाने से पहले एक एहसान कर जाओ हम पे। कैसा एहसान? हमारे हाशिम से जान छुड़ा दो, आजाद करा दो हमें। हम मानते हैं हम खुद गर्ज हैं, झूठे हैं, हमने जो भी किया अपनी बका के लिए किया, तुम्हारा नहीं सोचा। लेकिन हमने हाशिम के बारे में जो भी कहा वो सच था, हम कैदी हैं उसके। हम यूं मरना नहीं चाहते, हम अकेले मरना नहीं चाहते। हम तुम्हारी बिनती करते हैं, हमारी हाशिम से निजात करा दो। निजात सिर्फ खुदा दिला सकता है। किसी के बहकावे में ना आना, किसी पर एतबार ना करना, खुद पर भी नहीं। बस याद रख,
उसकी असलियत उसकी तस्वीर में है। ये वही है जिसका इल्हाम हुआ था। नल, नल, हिलेश दिखना देश, ऐसी हिल बिल आरुषा। तुम रुक क्यों गई? ये क्या कह रहे? कुछ नहीं, मारो उसे। कुछ तो कह रहे। ढूंढोगी उसे आसूरा तुम? दिखने में वो एक लड़की होगी, सहमी सहमी डरती होगी। साथ में उसके होगा एक शख्स, नाम में उसका होगा बरक्स। हार के जाते हुए कैसा लगता है? तेरे से बहुत उम्मीदें थी मुझे, सब तोड़ दी। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तू अकल इस्तेमाल कर। पहचान नहीं पाई उसे तू, और अपना बाप भी खो दिया। क्या मतलब? क्या कहा था मैंने? जो दिख रहा है वैसा नहीं है, अंदर सब उल्टा है, सब बरक्स है। किसी के बहकावे में ना आना, किसी पर एतबार ना करना, खुद पर भी नहीं। बस याद रख, उसकी असलियत उसकी तस्वीर में है। पलट कर देख उसे, जान जाएगी। उसकी हकीकत उसकी जबान में है। पलट कर सुन उसे, समझ जाएगी। उसकी शनाख्त उसके नाम में है। पलट कर पढ़ उसे, पहचान जाएगी। तो किया ना मैंने, ढूंढ लिया उसे और उसकी तलाश में अपने शौहर को खो दिया। अगर तुम्हें उसे फना करने का इतना ही शौक है ना, तो जाके खुद पूरा करो। तूने नाम लिखा, पढ़ा नहीं, और ना ही मतलब जाना, ना ही पलट के तस्वीर का दूसरा रुख देखा, ना ही पलट के गूंज को पहचाना। तू क्या जाने किसे फना करना है और किसे जला देनी है। तुम जिंदगी में एक बार बगैर पहलियों के बात कर सकती हो? कर सकती होती तो कर देती। मैं भी कर सकती होती तो कर देती। मैं पिछले तीमारदार की बीवी हूँ जिसने छत से छलांग लगा के खुदकुशी की थी, पर वो खुदकुशी नहीं, कत्ल था। तेरे बाबर की तरह वो भी जिले अबलीस की खोज में तेरे बाबर से कहीं आगे पहुंच गया था, पर मैंने उसका साथ ना दिया, ना जिंदगी में ना मौत के बाद। और खुदा की कसम, एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें पछतावा ना हो कि मैंने उसके खून का बदला नहीं उतारा। तू भी हर लम्हा पछताएगी। ये सब ख्वाब है क्या हकीकत? दोनों के बरक्स। और तुम? मैं बस हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे नहीं पता। तस्वीर का दूसरा रुख देख, बाकी जवाब उस खाने में मिलेंगे जिसे खोलने से तुम्हें मना किया गया था। पलट।
असूरा कौन है? इब्लीस के पैरोकार वो मखलूक जो हसद, नुमाइश और लफानियत की मतलाशी थी। उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें एक पहाड़ की तह में महसूर कर दिया गया। अगर इब्लीस ने पहाड़ के नीचे सुरंग खोदकर उन्हें आज़ाद कर दिया और कौम असूरा को अपना ग़ुलाम बनाकर अपने लिए आबे हयात की खोज का काम सुपुर्द कर दिया ताकि इब्लीस हमेशा ज़िंदा रह सके, इब्लीस है, शैतान की चेली है। लानत, लानत। असुरा जिल्ले इब्लीस है। काश तुम मेरा यकीन कर लेती रबाब। असुरा जिल्ले इब्लीस है, शैतान की चेली है। मैं अपना बदला लेने जा रही हूं। तुम आना चाहो तो आ सकती हो। तेरा जादू इस लड़की पे नहीं चलेगा। ये वही है जिसका इल्हाम हुआ था। अनल, अनल, हीले शिकनादेश, ऐसील बेलस, आरुषा, अनल, अनल, हीले शिकनादेश, ऐसील बेलस, आरुषा, अनल, अनल, हीले शिकनादेश। खामोश। क्यों गई? ये क्या कह रहे? कुछ नहीं, मारो उसे। कुछ तो कह रहे? कुछ नहीं कह रहा, अपना काम पूरा करो। अल्फाज के कोई ना कोई मायने तो होते। कोई माने नहीं है, इसके सारे अल्फाज बेमानी है। नहीं, मुझे तो जानना है ये आखिर बोल क्या रहे। दनाल, दनाल, यही लेश दिखना देश। क्या फर्क पड़ता है ये क्या कह रहा है? इसने तुम्हारे बाबर का खून किया है। उससे इनके अल्फाज बेमानी तो नहीं हो जाते? बाबर कहता था कि बहुत गहरे अल्फाज हैं, लेकिन मैं नहीं मानती थी। वो कहता था शाजी इल्तिजा कर रहे हैं,
अल्फाज सीधे नहीं निकाल पा रहे, तलफ्फुज़ उल्टा और मतलब बरक्स। ऐसा कुछ नहीं है, तुम वक्त जाया कर रही हो। बाबर ने गालिबन इनकी आवाज रिकॉर्ड करके उसका बरक्स निकाल लिया था। वो टेप जाया हो चुकी है। जाया हो चुकी है? तो फिर ये क्या है? इसमें क्या है? ये कहां से लाई तुम? मौत के मुंह से। शाहजी बोलेगा जरा। दनाल, दनाल, यही लेश दिखना आदेश, ऐसी बेल जरूसा। दनाल, यही लेश दिखना आदेश, ऐसी बेल जरूसा। खामोश। असुरा से लेबलिंग्स है, शैतान की चेली है, लानत, लानत। असुरा से लेबलिंग्स है, शैतान की चेली है, लानत, लानत। ये झूठ है, ये नहीं कह रहा। ये पूछ लेते हैं। शाहजी आप बोलते रहिए। दनाल, दनाल, यही लेश दिखना आदेश, ऐसी बेल जरूर सा। दनाल, दनाल, यही लेश दिखना आदेश, ऐसी बेल जरूर सा। दनाल, दनाल, असुरा जिले इब्लीस है, शैतान की चेली है, लानत, लानत। असुरा जिल्ले इब्लीस है, शैतान की चेली है, लानत, लानत। बस तो तुम फिर जान गई? हाँ सूरा, मैं जान गई। और मैं ये भी जान गई कि शाहजी ने दिए अपने लिए नहीं, बल्कि तुमने इनके लिए जलाए थे। वो कैदी थे तुम्हारे, ना कि तुम उनकी। उस संदूकची में मैंने देखा कुछ नहीं है, पानी की शीशी है। क्या वक़्त है उसकी? बहुत। इतनी कि किसी को कैद रखो, किसी की जान ले लो? इससे भी कहीं ज्यादा। आबे हयात है इस बोतल में हमारे सरदार के लिए। हमने आराम से मांगी थी, नहीं दी तो हमने कैद कर लिया। ये कश्मकश 100 साल से जारी है, बहुत वक्त है हमारे पास, 100 साल तक जारी रख सकते हैं। कभी ना कभी तो हार माननी थी इसने, या तुमने हरा देना था? पर मैंने तुम्हें हरा दिया। ज्यादा भरम दिखाने की जरूरत नहीं है। ये खेल अभी बाकी है, ये कश्मकश बहुत लंबी है। ये बताओ मैं ही क्यों? क्योंकि तुम खास हो। 9 उम्री में ही सरदार ने हमसे तुम्हारा वादा किया था। पता है क्या कहा था? हाँ बताओ। क्या वादा करोगी पूरा तुम? ढूंढोगी उसे असुरा तुम? दिखने में वो एक लड़की होगी, सहमी सहमी डरती होगी। साथ में उसके होगा एक शख्स, नाम में उसका होगा बरक्स। दोनों में ऐसी खोट डलेगी, रोशनी खुप में लौट चलेगी। जम जाएगा जो था माया, पलट जाएगी वक्त की काया। जब हाथ में उसके खंजर होगा, हर सू जीवन बंजर होगा। हर जानेब अफरा तफरी होगी, इबलीस की हाजिर नफरी होगी। जब खप्त में सारा जग भागेगा,
स्याही का साया तब जागेगा। क्या वादा करोगी पूरा तुम? ढूंढोगे उसे असुरा तुम? वो सहमी सहमी लड़की तुम हो। पर स्याही का साया मैंने जागने नहीं दिया, तुम हार गई हो। मैंने कहा ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अभी जा रही है? फिर ये बताओ, बाबर को क्यों मारा? जो लिखा था होना तो था, यही लिखा था। पर वो तो शाजी के काबू में था। और शाजी की डोरी हमारे हाथों में। धनाल, धनाल, यही देश देखना आतेश, एक्सील बेल लिस्सा सूर। आदम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, मगर रायगा गई। कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती, बहुत मर्तबा दे चुका है। ये क्या कर रही है? देख रही हूं कि शर की आंखों में कितनी आग है। हमसे टकराओगी कुछ भी कर लो, हमें हरा नहीं सकती। ऐसे भी नहीं? नहीं, हमारी उम्र किस्मत में लिखी, आसानी से नहीं मिट सकती। और एक बात आइंदा के लिए याद रखना, किसी को मारो ना तो पूरी तरह मारो, अंजर घुसेड़ कर मुड़ उड़ना मत भूलना।
छोड़ो मुझे। अंदर सब बरक्स है, उसने खुदकुशी नहीं की, कत्ल था वो, और कत्ल के पीछे जिले इब्लीस का हाथ था, जिले इब्लीस का। सुन रही है? भूल ना जाना, अंदर सब बरक्स है। रुबाब, बाबर, अंदर सब उल्टा है, पर वो अकेली है, अब कमजोर है, बूढ़ी है। इस बार काम खत्म करना। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।